तो यार गाइस, आज की इस वीडियो में ना आप लोगों को दो तीन चीज़ें पता चलने वाली हैं। आर्टिका का घर अंदर से कैसा दिखता है, आर्टिका के घर में रो पीरो अंदर कैसे जाए, और तो और भाई साहब आज की इस वीडियो में ना रो पीरो बहुत ही ज़्यादा मज़े करने वाला है और आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो इस वीडियो को ना गाइस आप लोग कहीं से भी स्किप मत करना, देखते रहना बिल्कुल एंड तक। तो चलो करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो यार गाइस, आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं रो पीरो वाइस टाउन। तो यार भाई साहब, आप लोगों को पता है कि आर्टिका को रो पीरो वाइस टाउन में आए कितना टाइम हो गया है, 1 साल। मुझे याद है वो दिन जब यार गाइस अपने को पता चला था कि वाइस टाउन में किसी सुपर गर्ल को यार गुंडे तंग कर रहे हैं। रो पीरो गया था फुल टाइम एक्शन में धमाके करते हुए रोडस्टर पे ही, और भाई साहब फुल स्पीड में ऐसे ब्रेक मारा था जिधर आर्टिका थी, और भाई साहब वहां पे जाके ना गुंडों को इतना मारा, डिशुम डिशुम करके मारा, और फिर यार गाइस आर्टिका को बचाया। जब आर्टिका ने देखा कि रो पीरो यू आर वेरी पावरफुल, तो यार गाइस आर्टिका ने ना रो पीरो को सेट कर लिया। और आप लोगों को तो पता है कि अपना रो पीरो कितना भोला वाला है, और बेचारा रो पीरो आर्टिका के चंगुल में फंस गया और आर्टिका का बॉयफ्रेंड बन गया। और रो पीरो और आर्टिका के रिलेशन को 1 साल हो चुका है बच्चों। तो यार भाई साहब आर्टिका ने बोला कि रो पीरो अपने रिलेशनशिप एनिवर्सरी पे तुझे क्या चाहिए। अब मैंने बोला अब इससे भी कुछ निकालते हैं, मतलब कि इसी की कॉल आई, मैंने कट कर दी। भाई साहब बात क्या हुई, अब मैंने सोचा कि आज तक मैंने आर्टिका को इतने महंगे महंगे गिफ्ट्स किए हैं, मैंने इसको वाइट कलर की एक कार गिफ्ट की थी। और तो और रो पीरो वाइस टाउन में ना जब ये आई थी इसके पास रहने के लिए कोई इलाका नहीं था, अमीर तो ये बहुत थी, मतलब कि किसी बहुत ही बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी, लेकिन इसके पास घर नहीं था। रो पीरो ने इसको अपने पैसों से घर लेके दिया है, इसको पैसे खर्च नहीं करने दिए। इसने यार गाइस बहुत ही रो पीरो का पैसा उड़ाया। अब रो पीरो ने बोला आर्टिका मुझे एक मेंशन चाहिए, लेकिन बहुत ही धमाकेदार। आर्टिका पागलों की तरह रो पीरो वाइस टाउन में घूमती रही, कोई मेंशन मिला ही नहीं, क्योंकि गाइस रो पीरो वाइस टाउन में कोई धमाकेदार सा मेंशन तो है ही नहीं। तो यार भाई साहब अब हुआ क्या, आर्टिका ने बोला रो पीरो अगर मैं तुम्हें वाइस टाउन से बाहर कोई मेंशन लेके दे दूं तो। मैंने बोला वाई नॉट मेरी जान, लेके दे सकती हो तुम। तो यार गाइस कोई सिटी है वेगास क्राइम, ठीक है वेगास क्राइम वाइस टाउन में आर्टिका ने किसी बहुत ही बड़ी बिल्डिंग में अंदर रो पीरो के लिए फ्लैट लिया है, और वो फ्लैट जो है बहुत ही धमाकेदार सा है, मतलब के वो फ्लैट जो है यार गाइस आर्टिका का है। जब आर्टिका वाइस टाउन में रहती थी तो वाइस टाउन से पहले आर्टिका रहती थी वेगास क्राइम वाइस टाउन में, और वहाँ पर जो आर्टिका का फ्लैट था वो आर्टिका ने गिफ्ट कर दिया है रो पीरो को, मतलब कि आर्टिका ने रो पीरो को प्रॉपर्टी गिफ्ट की। और आप लोगों को तो पता होगा कि प्रॉपर्टीज के कलेक्शन करने का रो पीरो को कितना शौक है। वेट अ मिनट यार गाइस, मुझे एटीएम से पैसे निकलवाने हैं। तो एटीएम किधर है, यहाँ पे एटीएम, एटीएम माय बॉय। तो ये मैं आ गया, तो फटाक से यार गाइस यहाँ पर मैं अपनी कार से उतरता हूँ और एटीएम से ना कुछ पैसे निकलवा लेता हूँ। तो यार गाइस यहाँ पर ना एटीएम को मैं हैक करता हूँ फटाक से। ये यार गाइस हैकिंग ना किसी को आती है सिवाय प्रो रो पीरो के। अरे ये क्या हुआ, ये तो बहुत ही बुरी हैकिंग हो गई यहाँ पे यार गाइस, तो टाइम भी बहुत कम है, और ये इस बार ना ये पासवर्ड रो पीरो नहीं खोल पाया। ठीक है, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, एटीएम मशीन तेरी भैंस की आँख। चलो निकलते हैं, इस एटीएम मशीन में रो पीरो का पासवर्ड नहीं लगा, कैंसिल हो गया। तो चलो यार गाइस हम लोग यहाँ से निकल लेते हैं। और यार गाइस अब ना आप लोगों को मैं वो घर भी दिखाने वाला हूँ और वो सिटी भी एक्सप्लोर कराने वाला हूँ। तो यार गाइस हम लोग जाने वाले हैं वेगास क्राइम सिमुलेटर, और उससे पहले थोड़ा सा पैसे निकलवा लूँ, पेट्रोल डलवाना पड़ेगा मुझे अपनी बोट पे। तो अब हट जा साले। तो यार गाइस यहाँ पर मैं अपनी कार से उतरता हूँ और फटाक से ना भाई साहब यहाँ पर ये एटीएम पे जाता हूँ। अब जल्दी से ना यहाँ पर एटीएम को मैं स्टार्ट पे लगा दूँ। अरे यार ये इतने मुश्किल मुश्किल पासवर्ड क्यों दे दिए इन लोगों ने रो पीरो को, अब ये पासवर्ड लगाने पड़ेंगे रो पीरो को। ठीक है आ जाओ लेट्स गो। ओके तो यार गाइस यहाँ पर रो पीरो ने पासवर्ड लगा दिया है, अभी फटाक से हम लोग इसको पैसों को ले लेते हैं और चलो यार गाइस यहाँ से हम लोग जल्दी से निकल लेते हैं अपनी कार में बैठ के। पैसे होने चाहिए ना भाई साहब, विदेश जा रहे हैं तो पैसे जेब में होने चाहिए।
पैसे मस्ट हैं। तो अगर यार गाइस आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और यार गाइस हाँ, इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया ना तो यार लाइक करो, मतलब अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही तो लाइक करो, अगर पसंद नहीं आ रही ना तो पसंद करने की कोशिश करो भाई साहब। तो यार गाइस हम लोग वेगास क्राइम सिमुलेटर जाएंगे बोट के जरिए, हेलीकॉप्टर के जरिए नहीं भाई साहब, यार पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, अब बोट ही ठीक रहेगी। तो चलो जल्दी से चलते हैं, लेकिन यार गाइस सफ़र बहुत ही लंबा है। हाँ भाई साहब बहुत ही सफ़र लंबा है, तो मैं यहाँ पर इसको पार्क कर लेता हूँ, ठीक है, कार अपनी पार्क हो चुकी है, अभी हम लोग फटाक से उतर लेते हैं और चलो जल्दी से चलते हैं अपनी बोट की तरफ। चलो 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 जल्दी चल रो पीरो जल्दी चल। तो यार गाइस आप लोगों को रो पीरो की रोबोटिक बॉडी पसंद आई, आई मीन रो पीरो ने ये फटाक सा धमाकेदार सा जो पीछे गैजेट पहना है आप लोगों को पसंद आया? भाई साहब भी बहुत ही महंगा है बहुत, अगर आप लोगों को चाहिए ना तो आप लोग भी शॉप में जाके इसको बाय कर सकते हो, ठीक है बाय कर लेना, बहुत ही मजा आता है भाई साहब इसको यूज़ करने में, और इससे ना रो पीरो की लुक बहुत धमाकेदार लगती है, ये देखो लग रहा है ना धमाकेदार। ओके चलो 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 ठीक है। तो यार गाइस यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, बहुत टाइम से एक्सरसाइज नहीं की तो क्यों ना एक्सरसाइज कर लूँ, ठीक है। तो ये ट्रेन मशीन, ओके तो यार गाइस यहाँ पे मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, एक्सरसाइज करने का मुझे इतना शौक तो नहीं है लेकिन फिर भी हेल्थ के लिए ना गाइस मैंने सुना है कि ये ठीक रहती है। तो यार भाई साहब यहाँ पे चलो 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 जल्दी से। तो यार गाइस यहाँ पर ना रोप यूरो एक्सरसाइज तो ठीक कर रहा है, बहुत ही स्पीड में भाग रहा है, रोप यूरो की ना स्पीड जो है सुपर हीरोज वाली है, तो समझते हो ना गाइज आप लोग, फास्ट तो भाग गया ना साला। तो यार गाइज यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, ओके टाइम खत्म हो गया, मतलब के कम पैसों में यही होता है, तो ये क्या रिवॉर्ड भी मिलता है क्या? ओके रिवॉर्ड मिलता है, वाह वाह गुड गुड। तो यार गाइज यहाँ पे ऐसी एक्सरसाइज मशीन हर वाइस स्टोन में होनी चाहिए, वाइस स्टोन के चप्पे चप्पे पर होनी चाहिए, हाँ भाई साहब पैसे कमाने वाली मशीन है ये लोग, ठीक है। तो बोट किधर है मेरी? ओके ये है मेरी धनलोरानी। तो यार गाइस यहाँ पर ना बेचारी को मैं साफ भी नहीं करता हूँ लेकिन जब भी स्टार्ट किया ना इसको चलती है। तो यार गाइस यहाँ पर अब सफ़र तो लंबा है, मैं ना ऑलमोस्ट 4 घंटे में पहुँचूंगा, अब 4 घंटे तक तो यार गाइस मैं वीडियो को रिकॉर्ड नहीं करने वाला ना, तो मैं सीन को करूँगा स्किप और जब उधर पहुँचने वाला हूँ ना तो आप लोगों ना गाइस वहीं से कंटिन्यू कराऊंगा वीडियो, हाँ ये ठीक रहेगा। तो चलो सीन को करते हैं फटाक से स्किप। तो गाइज यहाँ पर ना मेरे साथ बहुत ही बड़ा इंसिडेंट हो गया गाइज, मुझे पता नहीं था कि रोपीरो वाइस्टोन से लेकर ना रियल गैंग्स क्राइम के रास्ते तक भाई साहब समुद्री लुटेरे होते हैं। यार गाइज यहाँ पर मैं बीच रास्ते में ही था, मेरी बोट 4 लोगों ने रुकवाई, भाई साहब शक्ल तो उनकी बहुत खतरनाक थी, आए मुझे बहुत मारा, पैसे तो मेरे पास थे नहीं, बहुत ही कम थे, 4-5 हज़ार थे, मैं ज़्यादा पैसे लेकर निकला नहीं था, सिर्फ पेट्रोल के पैसे लिए थे। तो भाई साहब हुआ कुछ ऐसा कि उन लोगों ने मुझे इतना मारा, अब ज़्यादा पैसे ना मिलने की वजह से सालों ने मेरा गैजेट भी उतार लिया, रो पीरो का महंगा सूट भी उतार लिया, और रो पीरो को ये बीच के किनारे पर ये चड्डी बनियान में फेंक दिया, सालों को कीड़े पड़े इनकी भैंस की आंख, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे पता नहीं था ना यार यहाँ पे समंदरी लुटेरे होते हैं, अब क्या करें। लेकिन ना रोप हीरो यार इन कपड़ों में बर्गर बॉय लग रहा है, हाँ ठीक है रोप हीरो कोई बात नहीं, आज अपने व्यूअर्स ने अपने अंदर के हालात भी देख लिए, चल कोई बात नहीं। तो यार गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल अब जब यहाँ पे चोरी शोरी होती ना तो मैं भी चोरी करूँगा और एक बार अपने वेपन्स देख लूँ, अरे साले मेरे सारे वेपन्स ले गए, जितने भी महंगे महंगे वेपन्स थे, एक वेपन मैंने जापान से मंगवाया था, एक इंग्लैंड से, एक ऑस्ट्रेलिया से, और पता नहीं कहां कहां से, यार सारे के सारे वेपन्स ले गए, एक पिस्टल छोड़ी है, तुम्हारी भैंस की आंख, अब ये पिस्टल मेरे काम आएगी, चलो सर उतर जाओ गाड़ी से, मतलब के रो पीरो चोर आ गया है तो जल्दी से उतरो इधर से, अरे इसके पास इतनी बड़ी गन कहां से आई, अबे भाग जा रो पीरो भाग जा भाग जा भाग जा। जोहार गाइस जिस बिल्डिंग में मेरा घर है वो बिल्डिंग यहीं से कहीं से करीब लग रही है मुझे, तो चलो देखते हैं, हाँ यार यहीं पर कहीं पर है, अरे ये बिल्डिंग है ना जिसकी तस्वीर भेजी थी आर्टिका ने, भाई साहब तो मेरा घर ना, हाँ सही बोला था आर्टिका ने, पहले फ्लोर पहली रॉ में होगा, तो पहली रॉ कौन सी है, हाँ 1 2 3, तो फर्स्ट रॉ यही है ना, तो ये खुली हुई भी है, तो ठीक है यहाँ से मैं अंदर चलता हूँ, हाउस नंबर 1 है, तो हाउस नंबर 1 क्या है, 1 2 2 3, 1 कौन सा हुआ ये, तो भाई साहब इसका गेट भी खुला हुआ है, अरे यही तो है, ठीक ठीक भाई साहब ये घर लिया आर्टिका ने मेरे लिए। तो इसके अंदर हम लोग एंटर होते हैं भाई साहब, अरे
ये देखो ट्रेनिंग मशीन जिसके बारे में मैं आप लोगों को बोल रहा था, ये तो घर के अंदर है। अरे वाह आर्टिका, आई लव यू। तो ये इतना बड़ा टीवी, इसमें रो पीरो GTA 5 खेलेगा। इतना बड़ा बेड, इस पर सोके रो पीरो अपने मोबाइल में रो पीरो वाइस स्टोन खेलेगा। अरे भाई साहब खतरनाक खतरनाक। तो यार गाइस यहाँ पे इधर क्या है? अच्छा तो ये किचन है। किचन क्या सोने का बना हुआ है, इतना चमक रहा है। और ये देखो टेबल, इस पर तीन कुर्सियां हैं, एक पर रो पीरो बैठेगा, दूसरे पर रो पीरो की टांगे, तीसरे पर भी रो पीरो ही बैठेगा। ओके तो ये जो कार में चुरा कर लाया हूँ ये नीचे खड़ी हुई है, ठीक है, ये मेरे काम में आएगी फिलहाल। अभी सिटी में नया आया हूँ ना, तो ये दरवाजा किस चीज़ का है, बंद करो इसको। अरे यहाँ पे है क्या? ओ माय गॉड, ये तो अमीर लोगों का बाथरूम है। ये देखो पॉट, और ये देखो शीशा वॉशरूम में, और ये देखो बाथटब। तो भाई साहब इसमें रो पीरो ना आएगा, मजा आएगा। और ये देखो मेन खिड़की, यार रोड का व्यू आ रहा है पूरा, कितना धमाकेदार सा व्यू आ रहा है। इधर से जंप मार सकता हूँ? नहीं, चलो ठीक है भाई साहब, घर तो मैंने देख लिया। आर्टिका, मुझे घर बहुत पसंद आया, आर्टिका को फ़ोन करके ज़रूर बता देता हूँ। अरे लेकिन नहीं यार, चोरों ने तो मेरा फ़ोन भी चुरा लिया। अरे यार बस चड्डी बनियान छोड़ दी सालों ने, इनकी भैंस की आँख, इनको तो कीड़े पड़े। तो चलो यार गाइस यहाँ पर ना हम लोग गाड़ी में बैठते हैं और यहाँ से निकलते हैं। फिलहाल अगर गाइस मुझे सिटी को भी एक्सप्लोर करना है ना, ठीक है, क्या पता गाइस नेक्स्ट वीडियो मैं सिटी पर बनाऊँ, हो सकता है क्योंकि यार गाइस शायद वापस ना आए रो पीरो, इधर रहे एक दो दिन स्टे करे। अगर सिटी पसंद आया तो सिटी को मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, अगर मजा आएगा तो आप लोगों को इसकी वीडियो जरूर मिलेगी। तो यार गाइस वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, कमेंट करो, और यार गाइस अपने भाई को सपोर्ट करो। इससे ज़्यादा चीज़ एक और मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा, अपना ख्याल रखो, ठीक है। और फिलहाल यार गाइस रियली मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ना बहुत ही ज़्यादा 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 ज़रूरत है, क्योंकि यार गाइस आप लोग देख पा रहे हो आपके भाई की जो रीच है बहुत ही कम हो गई थी, और अभी सेटिंग हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता आप लोग का प्यार मिल रहा है। तो गाइस मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाला हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।